मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। जब भी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तब हमेशा ये बोला जाता है कि आपका बच्चा बहुत समझदार है, लेकिन उसे हर चीज़ समय से पहले याद हो जाती है, इसके लिए वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होता जा रहा है। मेरा बच्चा हमेशा बोलता है मुझे आता है, मुझे पता है। मुझे डर है कि अपनी इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे बच्चे को आगे चलकर समस्या ना हो, तो मैं ऐसे में क्या कर सकती हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। डियर पेरेंट्स, आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी कई बार हो जाती है कि उसके लिए बच्चों को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। देखिए, बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आपको थोड़े से ट्रस्ट की ज़रूरत अपने बच्चों पर है। देखिए, कई बार हमारी इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और हम कई बार उनको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बच्चों तक नहीं लेकर जाएं और दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ अपने बच्चों के एक्सपीरियंस को तो बिल्कुल मत जोड़िएगा। कि अगर किसी के अंदर आपने ये देखा कि उनमें ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका बच्चा भी जो है इस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कहीं पीछे ना रह जाए या कहीं वो एग्ज़ाम्स में अच्छा ना कर पाए। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करें। सेकंड, आप बच्चों के साथ इस चीज़ को जो है बड़ी भद्रता के साथ, जेंटलनेस के साथ इसे शेयर कर सकते हैं कि बेटे हमें जो है विनम्रता से या हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ही हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बच्चे एडोलेसेंस में होते हैं वो एक बहुत ही रिसीविंग स्टेट में होते हैं, वो माता पिता की हर बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और सेकेंड, कहीं ना कहीं बच्चे आपको देखते भी हैं कि मम्मा के अंदर ये इनसिक्योरिटी हो रही है, मम्मा को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, वो वैसा एक्ट करेगा कि मैं मम्मा को दिखाऊं या अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को दिखाऊं कि मुझे सब आता है, वो प्रिटेंड करते हैं। इसलिए आप अपनी इनसिक्योरिटी की वाइब्रेशंस और उन पर आपको भरोसा नहीं है इस चीज़ की वाइब्रेशन को बच्चों तक ना पहुँचाएं। आप अपने ट्रस्ट की, प्रेम की और उन तक प्रोत्साहन की वाइब्रेशंस को ही पहुंचाएं। देखिए फ्रेंड्स, चाहे हम कुछ भी कहें कि लॉजिक्स होते हैं, लेकिन भावनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपकी पॉजिटिविटी, आपके अंदर का ट्रस्ट बच्चों तक डेफिनेटली पहुंचता है। अगर आप अपना ट्रस्ट, अपना प्रोत्साहन बच्चों को दे रहे हैं, तो मतलब ही नहीं कि बच्चों के अंदर ऐसी कोई बात हो जाए। बच्चों पे ट्रस्ट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, अपनी मन की पॉजिटिविटी उन तक पहुंचाएं।